हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नाजमिन कुक एंड स्पेशल। आज हम बनाएंगे बच्चों को खुश करने वाली रेसिपी पोटैटो फिंगर। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, दो बॉयल आलू को ग्रेट करके लिया, एक कप ब्रेड क्रम्स, एक कप चावल का आटा, एक अंडा, नमक टू टेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई चार हरी मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 कप सूजी। अभी हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे ग्रेटेड आलू, डालेंगे अंडा और इसमें डालेंगे सूजी। अब डालेंगे चावल का आटा और डालेंगे धनिया पत्ता, डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, आप डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, डालेंगे चाट मसाला। अभी हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे, उसको इस तरह से पहले एक राउंड शेप देंगे, फिर इसको लंबाई में फिंगर का शेप दे देंगे। अभी हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हम बाकी के मिक्सचर का भी बना लेंगे। ये हमने सारे बना के रेडी कर लिया। अब इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डाल के उसको गर्म होने रखेंगे। तेल गर्म हो चुके हैं तो आप इसमें एक एक करके पोटैटो फिंगर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इस तरह से तेल को घुमाएंगे, हम डायरेक्ट पोटैटो फिंगर को नहीं पलटेंगे, ऐसे तेल को घुमा के पोटैटो फिंगर को फ्राई कर लेंगे। ये पोटैटो फिंगर हमारा फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इसको तेल से उठा लेंगे। सारे तेल से उठा लिया, अब इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से बनाया हुआ पोटैटो फिंगर की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।